हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइफ शाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे फर्स्ट हमने बात किया एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, देन हमने बात किया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स। ठीक है, देन उसके बाद और एक है कल्चर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉलिटिक्स, ओल्ड वेज ऑफ राइटिंग एंड रिकाउंटिंग हिस्ट्री, द एक्शंस ऑफ किंग्स एंड क्वींस सीम टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस ऑफ सोशल साइंस। अगर पहले की बात करें, ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मॉनार्की थी, ठीक है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे हम, किंग्स जो भी बोलते थे, क्वींस जो भी बोलते थे, वही मतलब पत्थर की लकीर होता था। ठीक है, सो कुछ बोल दिया, पूरा सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, बट एज वी नो नाउ, किंग्स एंड क्वींस वेर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लार्जर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ठीक है, बट अगर हम बात करें किंग्स एंड क्वींस की भी, तो वो क्या थे, एक पॉलिटिकल सिस्टम था। किंग्स एंड क्वींस तो पूरा एक राज्य नहीं संभाल सकते थे ना, तो उसके नीचे क्या थे, वो जो क्या होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग थे, एंड उसके नीचे और मंत्रियां होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तभी भी था। ठीक है, तो वहाँ पे किंग्स एंड क्वींस क्या थे, हेड ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप था, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग पूरा सब कुछ जो बोलते थे किंग्स एंड क्वींस, उसके रिगार्डिंग पूरा लार्जर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक टेंस में डिफरेंस आते थे। एग्जाम्पल आर फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ वारफेयर। जब वार कोई हो गया, ठीक है, तो वार कौन डिसाइड करता था कि वार होगा करके, तो वो डिसाइड करता था किंग्स एंड क्वींस कि हाँ वार होगा, तो उनका एक डिसीजन पूरा सोसाइटी का पूरा नक्शा बदल देते थे। ठीक है, व्हेन वन सोसाइटी वेट्स वार ऑन अनदर एंड कंक्वर्ड और वाज कंक्वर्ड, सोशल चेंज वाज यूजुअली एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। जब भी कोई वार होता था, आप देखेंगे जो जीत गया, ठीक है, जो जीत गया उसका रूल अप्लाई होता था, जो हारा हुआ है तो उसके ऊपर इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होगा। आज वार खत्म हुआ, आज जीत गया, वो लोग ने कैप्चर कर लिया, मतलब कल की लाइफ और आज की लाइफ पूरा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे समझाया गया है। यू कैन रीड दिस एग्जांपल इन हिस्ट्री, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू कंसीडर ए मॉडर्न इंस्टेंस दैट इज दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड जापान। ये तो हो गए पुराने ज़माने की बात। अगर हम नए ज़माने की मॉडर्न इंस्टेंस की बात करें, तो जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ था, ठीक है, एंड जो अभी चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, मॉडर्न इंस्टेंट, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, यूनाइटेड स्टेट ओन ए फेमस विक्ट्री ओवर जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टली थ्रू द यूज ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बम, एटम बम जिसको हम बोलते हैं। आफ्टर द जापानीज सरेंडर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑक्युपाइड एंड रूल ओवर जापान फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, सो ब्रिंगिंग अबाउट लॉट्स ऑफ चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म में चेंजेस आ गया, उनका इंडस्ट्री में चेंजेस आ गया, ठीक है, एंड जापानीज इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉपी अमेरिकन इंडस्ट्री एंड लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, इतना मतलब एक इंडस्ट्री ऐसे बदल गया, तो उसके बाद तो चेंजेस तो बहुत डिफरेंट होगा ही। ठीक है, सो बाई द 1970s, हाउएवर जापानीज इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, स्पेशली इन फील्ड लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग, हैड गॉट फार अहेड ऑफ अमेरिकन्स। बट क्या हुआ, ये जो चेंजेस स्टार्ट हुआ था ना, ये चेंजेस इतना ज़्यादा हो गया एंड जापानीज लोग भी इतना इंटरेस्टेड हो गया कि 1970s में ये अमेरिका से भी अहेड हो गए। ठीक है, बिटवीन 1970s एंड 1990s में जापानीज इंडस्ट्री डोमिनेटेड द वर्ल्ड एंड फोर्स्ड चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप एंड स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इतना ज़्यादा हो गया कि जापानी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मतलब इतना डेवलप हो गया कि हमारे जो ये यूरोपियन इंडस्ट्रीज है एंड यूनाइटेड स्टेट का इंडस्ट्री है, वो भी चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो गए। लार्ज ट्रेडिशनली डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी इंजीनियरिंग सफर्ड मेजर सेटबैक्स एंड हैड टू रिस्ट्रक्चर देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू जापानीज टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब इतना ज़्यादा जापान का प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ, जो पहले ये स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग स्टाफ जो पहले डोमिनेट करता था बाय यूरोपियन एंड यूनाइटेड स्टेट, वो अभी डोमिनेट कौन करने लगा, जापानीज टेक्नोलॉजी। और जापान का टेक्नोलॉजी आज भी हमें पता है कि कितना एडवांस है। ठीक है, तो जापानीज टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, उनके टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, ये अभी क्या होने लगे, पहले तो यूनाइटेड स्टेट ने जापान पर फोर्स किया, बट अभी जापान का टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा वो हो गया कि जापान का टेक्नोलॉजी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। ओके, within the space of 4 decades, Japan had turned the tables of United States, but through economic and technological means rather than warfare. यहाँ पे जापान ने US को हराया, but not in warfare. ठीक है, उन्होंने हराया by the use of technology. ठीक है, by the use of technology and economic
thing. So political changes need not to be international. They can have enormous social impact even at home. ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल चेंज ओनली इंटरनेशनली हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के बीच में, या फिर आप बात करें रशिया एंड यूक्रेन के बीच में. सोशल इम्पैक्ट पड़ सकता है होम के रिगार्डिंग भी. अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल, हम लें ब्रेड विनर आपके पापा हैं, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर, तो ये घर का एक जो सिस्टम होता है ना वो पूरा हिल जाता है. ठीक है, तो एक इवेंट हुआ आपके घर पे, आपको फादर का डेथ हो गया या फिर जो भी कमाने वाला था उनका डेथ हो गया, तो पूरा आपका घर का इकोनॉमिक सोशल सब कुछ हिल गया. ठीक है, सो ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट. द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट डिड नॉट ओनली ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इट ऑल्सो डिसिसिवली चेंज इंडियन सोसाइटी. इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ओनली हमने ब्रिटिशर्स को नहीं खेदा, बल्कि हमारा जो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी था. फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या हुआ, वुमेन का जो एक राइट है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया, वुमेन मूवमेंट. ठीक है, एंड देन लोअर कास्ट का एक स्टार्ट हो गया, पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया. तो ये बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे. ठीक है, सो नेपाली पीपल्स रिजेक्शन ऑफ मोनार्की इन 2006 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. पोलिटिकल चेंजेस ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंज थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस. पोलिटिकल चेंजेस, अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा होता है ना कि इस बार पंचायत में ओनली वुमेन कैंडिडेट ही प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी, ऐसा आता है या नहीं? तो ये क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस. तो उसके रिगार्डिंग ऐसा होता है कि इतने परसेंट एससी एसटी कोटा से आना चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल चेंजेस के रिगार्डिंग आते हैं. इतने परसेंट लोअर कास्ट के रिगार्डिंग आना चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल चेंज है. ओके, एंड अगर पॉलिटिकल चेंज की अगर हम बात ही करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कैसे भूल सकते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और द वन पर्सन वन फूड प्रिंसिपल इज प्रोबेबली द सिंगल बिगेस्ट पॉलिटिकल चेंज इन हिस्ट्री. ठीक है, अंटिल मॉडर्न डेमोक्रेसीज फॉर्मली एम्पावर्ड द पीपल विद द वोट एंड अंटिल इलेक्शन बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सरसाइजिंग लेजिटिमेट पावर, सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड वेरी डिफरेंटली. ठीक है, जब तक ये वोटिंग सिस्टम, ये लेजिटिमेट पावर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, लॉ रूल्स नहीं था तो क्या था, किंग्स एंड क्वींस क्लेम टू बी रूल्ड बाय डिवाइन राइट एंड दे वर नॉट रियली आंसरेबल टू द कॉमन पीपल. ठीक है, वो लोग क्या बोलते थे, हमको तो भगवान ने भेजा है, हमको तो गॉड ने भेजा, हम किसी को आंसरेबल नहीं है, हम जो करते हैं वही करेक्ट है. ठीक है, वही सबसे ऊपर है क्योंकि हमको भगवान ने भेजा है, हम भगवान का दूत है. तो ये बात करते थे वो लोग, किंग्स एंड क्वींस. ठीक है, बट अभी क्या है, अभी हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट टू आस्क क्वेश्चन, आरटीआई. ठीक है, यहाँ पे है हमारे इंडिया के रिगार्डिंग, और मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो मोस्टली हमारे इंडिया के इर्द गिर्द ही घूमेगा. ठीक है, इन द बिगिनिंग द वोट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु वर बॉर्न इनटू हाई स्टेटस सोशल ग्रुप्स ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और एथनिसिटी और वेल्दी मैन हो ओन प्रॉपर्टी. पहले क्या था, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे इंडिया में, अभी जो हम कोई भी इंसान वोट देते इतना ईजी नहीं था पहले. ठीक है, जब वो आया था वो रिस्ट्रिक्ट था, वोटिंग सिस्टम जब वो स्टार्ट हुआ था, वोटिंग सिस्टम का पैटर्न तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था. ठीक है, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स को ही वो वोट देने देते थे, या फिर रेस, या फिर एथनिसिटी, जो वेल्दी मैन प्रॉपर्टी जिसके पास है उनको ही दिया जाता था. एंड जो ऑल वुमेन है, वुमेन सेक्शन, मैन ऑफ लोअर क्लासेस और सब ऑर्डिनेट एथनिसिटीज एंड पुअर वर्किंग पीपल इन जनरल विल नॉट अलाउड टू वोट. ठीक है, इट इज ओनली थ्रू लॉन्ग स्ट्रगल्स दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कैम टू बी एस्टैब्लिश एज ए नॉर्म. ठीक है, दिस डिड नॉट एबोलिश ऑल द इनइक्वालिटीज ऑफ प्रीवियस एरास. ये जो वोटिंग राइट दिया गया है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो इक्वालिटी आ गया सारा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं था. जस्ट वी आर एबल टू वोट बट इनइक्वालिटीज इज स्टिल देयर. ठीक है, इनइक्वालिटीज अभी भी हैं एंड आगे भी रहेंगे, एंड आई डोंट नो कितने और भी साल गुजरने के बाद ये इक्वालिटी का एक पोर्शन आ भी सकता है या नहीं. इवन टुडे नॉट ऑल कंट्रीज फॉलो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रूल्स. ठीक है, इवन हुएर इलेक्शंस आर हेल्ड दे कैन बी मैनिपुलेटेड. हम देख सकते हैं पाकिस्तान में जो उनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, बांग्लादेश में, वो ऑल आर लाइक हमको सुनने को मिलता है मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स. ठीक है, एंड पीपल श्रीलंका की अगर बात करें तो अभी पूरा तो इकोनॉमी इस मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग पूरा टूट गया. ठीक है, एंड पीपल कैन कंटिन्यू टू बी पावरलेस टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ देयर गवर्नमेंट, कैन नॉट बी डिनाइड द यूनिवर्सल एडल्ट्रेस सर्वर्स एज ए पावरफुल नॉर्म्स दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन एवरी सोसाइटी इन एवरी गवर्नमेंट. अगर हम बात करें ना वोटिंग सिस्टम से, इतना तो इनइक्वालिटी कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, दैट वी एक्सपेक्टेड. बट वी एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ. ठीक है, तो इन बिटवीन आप बोल सकते हैं उसको. ठीक है, जैसे हम 5 ईयर्स के रिगार्डिंग इन बिटवीन हो जाता है, कैसे,
5 years बाद हम उस गवर्नमेंट को फेंक सकते हैं कि चलो तुमने हमारा काम नहीं किया, तुमको हम उखाड़ के फेंक रहे हैं। इन केस ऑफ इंडिया 5 years का गवर्नमेंट है, अच्छा काम किया, हम फिर से वोट करके आपको ही गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, आपने अच्छा काम नहीं, हम दूसरे पार्टी को वोट देंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट्स मस्ट नाउ एट लीस्ट अपीयर टू सीक द अप्रूवल ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू कंसिडर लेजिटिमेट। अगर गवर्नमेंट को लेजिटिमेट फॉर्म करना है तो आपको फिर से गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। दिस हैज ब्रॉट मैसिव सोशल चेंजेस इन दिस इन इट्स वेक। सो अगर आप बात करें, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होता है तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड करता है उनके आइडियोलॉजीज से। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है। तो जब भी पॉलिसीज बनते हैं तो बीजेपी के रिगार्डिंग उनके आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमेगा हमारा सोशल चेंज। सोशल चेंज कैसे होगा? उनका पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट जितना पॉलिसी बनाएगा उसके रिगार्डिंग ही सोशल चेंज होगा, सोसाइटी में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, सोशल प्रोसेस होगा, सोशल चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल, बीजेपी ने कुछ पॉलिसीज बनाए, उसके रिगार्डिंग एक तरीके का सोशल चेंज होगा क्योंकि वो आइडियोलॉजी के साथ लिंक है। एंड देन अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आया तो उनका आइडियोलॉजी अलग होगा, उनका जो पॉलिसीज होगा वो अलग होगा, एंड उसके रिगार्डिंग सोशल चेंज भी अलग तरीके से होगा, ठीक है। सो आई होप पॉलिटिक्स वाला ये पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई रिप्लाई यू ऑल गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।